झारखंड में एक तरफ 29 अप्रैल को कल्पना सोरेन जहां गांडे विधानसभा से नामांकन दाखिल करेंगी, वहीं दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में बतौर प्रत्याशी कल्पना सोरेन 29 अप्रैल को नामांकन दाखिल करने जा रही हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत झामुमो के तमाम नेता मौजूद रहेंगे। इसी दिन गांडे में एक नामांकन सभा का आयोजन भी किया जाएगा। बताया गया कि कल्पना सोरेन के नामांकन को लेकर झामुमो अपनी तैयारी में जुटा हुआ है। गिरिडीह से कोडरमा जिला समिति को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। गांडे में नामांकन की प्रक्रिया 26 अप्रैल से शुरू हो गई है। 26 अप्रैल से 3 मई तक नामांकन करने की अंतिम तिथि है। गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। गिरिडीह लोकसभा सीट से झामुमो के प्रत्याशी मथुरा महतो 6 मई को नामांकन दाखिल करेंगे। उनके साथ भी मुख्यमंत्री चंपई सोरेन व कल्पना सोरेन मौजूद रहेंगे। वहीं दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को ही सुनवाई करेगा। उनकी याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इससे पूर्व विगत दिनों हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने जस्टिस संजीव खन्ना व जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ को बताया था कि झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर 18 फरवरी 2024 को सुनवाई पूरी होने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं सुनाया गया है। हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ 2 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन पीठ ने उनसे राहत पाने के लिए पहले हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। हेमंत सोरेन ने मामले में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर 4 फरवरी को हाईकोर्ट गए थे और फिर 27-28 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई, लेकिन याचिका पर अब तक फैसला नहीं किया गया है। सिब्बल ने बताया कि हाईकोर्ट का फैसला अब तक नहीं आने से हेमंत सोरेन के समक्ष दुविधा की स्थिति है, क्योंकि वह कानूनी उपायों के लिए न तो आगे बढ़ सकते हैं और न ही पीछे जा सकते हैं। उन्होंने याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया था। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल JK News Network को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।